लाल आई एम असिटेंट प्रोफेसर कॉन्ट्रेक्चल फैकल्टी डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आई टी लखनऊ इन द लास्ट क्लास डिस्कस अबाउट सिंगल फेज फुल वेब कंट्रोल रेक्टिफायर रेक्टीफायर रजिस्टिव लोड एंड इन दिस लेक्चर वील सी सेम थिंगट इज सिंगल फेज फुलट्रोल रेक्टीफायर विथ रजिस्टिव इंडक्टिव लोड एंड सेमी कन्वर्टर ओके तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि सिंगल फेज फुल वेब कंट्रोल रेक्टिफायर में जब हम लोग आर एल लोड अप्लाई करते हैं तो उसके आउटबेब फॉर्म में क्या क्या चेंजेस आते हैं और उसका आउटबे फॉर्म कैसे अपीयर होता है उसको हम लोग देखेंगे तो इसमें दो चीज़ें होती हैं आपकी कि जब हम लोग आर एल लोड अप्लाई करेंगे एक सिंगल फेज फुल वेब कंट्रोल रेक्टिफायर के अक्रॉस में तो उसमें क्या होगा आपका कि इंडक्टेंस के कारण यानी कि अगर इंडक्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है या जो हम लोग एल uh, यूज कर रहे हैं अगर उसकी वैल्यू ज़्यादा है तो वो ज़्यादा टाइम ज़्यादा एनर्जी को कंज्यूम करेगा और ज़्यादा ड्यूरेशन uh, तक क्या करेगा करंट को कंटिन्यूस बनाए रखेगा तो इसमें हमें दो टाइप के करेंट्स uh, मिलते हैं एक को बोलते हैं डिसकॉन्टीन्यूस करंट और एक को बोलते हैं कॉन्टीन्यूस करंट ओके तो uh, इसमें मेनली हमें दो चीज़ें पढ़नी हैं एक डिसकन्टीन्यूस करंट के बारे में और एक कॉन्टीन्यूस करंट के बारे में तो ये डिपेंड करता है कि हमारा जो इंडक्टर है उसकी वैल्यू कितनी है या इंडक्टेंस कितना है उसका उस पर डिपेंड करता है ओके okay. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिस्कटिन्यूस करेंट लोड करेंट फॉर अ कंट्रोल्ड फुल बेब रेक्टिफायर विथ एन आर एल लोड सोन इन फिगर तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सर्किट डायग्राम दिया है इसमें हमने एक साइनोसोडल uh, सोर्स लिया है वी एस इक्वल टू वी एम साइनो मेगा टी और यहाँ पे हमने चार थायस्टर यूज किए हैं एक ब्रिज रेक्टिफायर बनाने के लिए यहाँ पे आपका टी वन टी थ्री टी फोर एंड टी टू तो कुछ इस प्रकार से इसका सर्किट डायग्राम है हमने यहाँ पे एक साइनोसिडल एसी वोल्टेज सोर्स लिया है और चार थायस्टर लिए हैं उनके नाम क्या क्या हैं टी वन टी टू टी थ्री टी फोर ओके तो आ, और हमने लोड यहाँ पे आप राइट साइड में देख सकते हैं कि हमने एक रजिस्टिव इंडक्टिव लोड लिया है जिसको यहाँ पर लिखा हुआ आर और एल ओके okay. अब इसमें ये हम लोग ये कैसे ऑपरेट करेगा या कैसे ऑन होगा तो होता क्या है कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा साइनोसडल एसी इनपुट है जो कि वी एम ओमेगा टी है तो जीरो से लेके पाई तक क्या होगा आपका जो सिग्नल होगा वो पॉजिटिव होगा जिसके कारण हमारा था टी वन और टी टी वन और टी टू ऑन होगा इसके बाद में निगेटिव हाफ साइकिल के, के लिए पाई से लेके टू पाई तक टी थ्री और टी फोर हमारे ऑन होते हैं और इस रजिस्टिड इंडक्टिव लोड को लोड करेंट सप्लाई करते हैं ओके तो यहाँ सबसे पहले हम लोग देखते हैं फॉर डिसकन्टिनुअस करेंट एट ओमेगा टी इक्वल टू जीरो विथ जीरो लोड करेंट एस सी आर्स टी वन एंड टी टू इन द ब्रिज रेक्टीफायर विल बी फॉरवर्ड बायर्स एंड टी थ्री एंड टी फोर विल बी रिवर्स बायर्स एज द वोल्टेज सोर्स बिकम्स पॉजिटिव तो ये बता रहा है आपका अभी वेफॉर्म हम लोग देखेंगे कि uh, होगा क्या कि जब हम लोग पॉजिटिव हाफ साइकिल में एस सी आर्स को ट्रिगर करेंगे तो उस समय हमारा था स्टर टी वन और टी टू क्या होगा ऑन होगा और टी थ्री टी फोर क्या होंगे आपके रिवर्स पाइस होंगे जिसके कारण आपका क्या रहेगा ऑफ़ रहेगा ओके okay? इसके बाद में दिया है कि गेट सिग्नल आर अप्लाइड टू टी वन एंड टी टू एट ओमेगा टी इक्वल टू अल्फा हम लोग क्या करेंगे कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में थायस्टर टी वन और टी टू को ओमेगा टी इक्वल टू अल्फ़ा डिग्री पे क्या करेंगे फायर करेंगे उसको ऑन करने के लिए इसके बाद में आपका द आउटपुट करंट कैन बी गिवन एज तो सबसे पहले हम लोग इसका बेफॉर्म देख लेते हैं जो यहाँ पे दिया हुआ है तो यहाँ पे आप सीधे इसका आउटपुट वोल्टेज देख रहे हैं नीचे दिया हुआ है जब तक हमने एस को ट्रिगर नहीं किया यहाँ तक हमारा क्या है अल्फ़ा है अल्फा से पाई तक क्या रहा आपका आउटपुट अल्फा से लेकर पाई तक आपका आउटपुट कुछ इस प्रकार से आ रहा है ओके अब इस इस सर्किट में इंडक्टेंस के प्रेजेंट होने के कारण एस सी आर फोर्सफुली कुछ और टाइम के लिए कंडक्ट करेगा जिसके कारण निगेटिव में भी हमारा कुछ पल्स अभीर होता है जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है सिमिलरली पाई से लेके पाई प्लस पाई से लेके आपका टू पाई तक क्या होगा निगेटिव हाफ साइकिल को क्या करेगा रेक्टिफाई करेगा और उस ए सिग्नल को डी में चेंज करेगा तो हमें जो है मोड वन में या फिर जब हमारा थार टी वन और टी टू ऑन होंगे तो उस टाइम हमारा जो एस है टी वन और टी टू कन्डक्ट करेगा और जो आउटपुट फॉर्म आएगा वो आपका अल्फ़ा से लेके पाई तक अपीयर होगा यानी ये वाला एरिया जो हम आ, सेट कर रहे हैं आपको दिखाई दे रहा है ओके और इस सर्किट में इंडक्टेंस के प्रजेंट होने के कारण क्या होगा आपका पाई से लेके पाई प्लस बीटा तक आपका क्या होगा पाई से लेके पाई प्लस बीटा तक निगेटिव में वोल्टेज अपीयर होगा और निगेट ओके निगेटिव में वोल्टेज अपीयर होगा इसके बाद में सिमिलरली पाई प्लस अल्फा से लेके टू पाई तक आपका फिर से एक निगेटिव आप साइकिल के लिए फॉर्म अपीयर होगा ओके okay? और सिमिलरली टू पाई प्लस बीटा फिर हमारा क्या होगा निगेटिव बेफॉर्म अपीयर होगा तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं इस आ, क्या नाम है जब हम लोग रजिस्टर्व इंडक्टिव लोड अप्लाई करेंगे या फिर आर लोड अप्लाई करेंगे फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर में तो हमारा आउटपुट बेबार क्या होता है दोनों साइकिल्स को यानी कि पॉजिटिव साइकिल और निगेटिव साइकिल दोनों को क्या करता है रेक्टिफाई करके आ, प्लस में भेज देता है ओके लेकिन इंडक्टेंस के प्रेजेंट होने के कारण कुछ वोल्टेज हमारा नेगेटिव भी अपीयर होता है ओके अब हम लोग अगर इस बेबार की एनालिसिस करें Uh, ये एनालिसिस हम लोग ऑलरेडी जो है uh, जब हमने हाफ वेब कंट्रोल हाफ वेब कंट्रोल रेक्टिफायर पढ़ा था तो वहाँ पे हम लोग इसको ऑलरेडी देख चुके हैं जहाँ पे क्या था आपका कि द आउटपुट करंट कैन बी गिवन एच तो वहाँ पे हमने फाइंड किया था कि आई नॉट ओमेगा टी यानी कि आउटपुट करंट फ्लोइंग थ्रू दी रजिस्टिव इंडक्टिव लोड इज गिवन बाई वी एम बाई जेड साइन ओमेगा टी माइनस थीटा माइनस साइन अल्फा माइनस थीटा ई टू पावर माइनस ओमेगा टी माइनस अल्फा अपॉन ओमेगा टाऊ जहां पे हमारा वी एम क्या है मैक्सिमम वोल्टेज मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ द सप्लाई जेड क्या है इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट इसके बाद में थीटा है आपका इम्पिडेंस एंगल और टाउ क्या है टाइम कॉन्स्टेंट ऑफ द सर्किट ओके तो टाउ आपको याद रखना है टाउ क्या होता है आपका इंडक्टिव के लिए एल बाई आर होता है ओके okay? और यहाँ पे दिया हुआ है कि इम्पिडेंस को हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल स्क्वायर और इम्पिडेंस एंगल को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं टेन इनवर्स ओमेगा एल बाई आर और टाउ को यहाँ पे दिया हुआ है एल बाई आर से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं द एब करंट फंक्शन बिकम्स जीरो एट ओमेगा टी इक्वल टू बीटा तो जैसा कि हमने फॉर्म में देखा कि हमारा बीटा जब बीटा पे क्या हो जा रहा है आपका करंट की वैल्यू जी जो जीरो हो जा रही है ओके इफ द करंट रिमेंस एट जीरो ओमेगा टी इक्वल टू पाई प्लस अल्फा यानी कह रहा है कि बीटा से लेके पाई प्लस अल्फा तक अगर आपका करंट जीरो है इसका मतलब क्या है कि हमारा करंट एक बार प्लस है फिर जीरो हो रहा है कुछ टाइम के लिए फिर से प्लस हो रहा है इसका मतलब करंट हमारा कैसा है डिसकॉन्टिन्यूअस है इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं डिसकॉन्टिन्यूअस मोड ओके okay? so, अब इसके बाद में फिर कह रहा है कि वेन गेट सिग्नल आर अप्लाइड टू टी एंड टी फोर विच आर देन फॉरवर्ड बायस एंड वी गैन टू कंडक्ट दिस मोड ऑफ ऑपरेशन इज कॉल्ड एज डिसकटिन्यूअस करेंट एन इन फिगर बी तो यहाँ फिगर में हम लोग देख सकते हैं कि जब हमारा क्या होगा जब हमारा एस सी आर टी थ्री और टी फोर ऑन होगा तो उसके कारण भी क्या होगा कुछ ही टाइम तक के लिए अब क्या होगा आपका आ, जो ए सी सिग्नल है वो रेक्टिफाई होगा कहाँ से कहाँ तक होगा रेक्टिफाई पाई प्लस अल्फा से लेके टू पाई प्लस बीटा uh, तक यहाँ तक आपका सिग्नल हमें अपीयर होगा और इसमें भी आपका कुछ टाइम के लिए पॉजिटिव और कुछ टाइम के लिए निगेटिव आएगा ओके okay? तो यहाँ पे दिया हुआ है आपको सिंपल से याद रखना है कि इफ़ बीटा इज लेस देन पाई प्लस अल्फा यानी कि 180 प्लस फायरिंग एंगल से अगर बीटा हमारा कम है तो इसका मतलब हमारा डिसकॉन्टीन्यूस करंट है ओके okay? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है इसके बाद में कह रहा है कि द एनालिसिस ऑफ कंट्रोल्ड फुल बेव रेक्टिफायर ऑपरेशन इन द डिसकिन्यूअस करेंट मोड इज मोड इज आइडेंटिकल टू दैट ऑफ कंट्रोल्ड हाफ बेब रेक्टिफाइड एक्सेप्ट दैट द पीरियड फॉर द आउटपुट करंट इज़ पाई रादर दैन टू पाई ओके तो यहाँ बता रहा है कि इसकी जो एनालिसिस हम लोग करेंगे तो जो भी एक्सप्रेशंस आते हैं ये आपके हाफ बेब कंट्रोल रेक्टिफायर के तरीके से होते हैं सिर्फ क्या होता है आपका कि वहाँ पर जीरो से लेके पाई तक के लिए हम लोग वैल्यूज uh, को निकालते हैं यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे हमें आउटपुट दोनों साइकिल्स में मिलता है जिसके कारण हमारा एक्सप्रेशन क्या होता है कि उसका टाइम पीरियड चेंज हो जाता है या फिर हम लोग कह सकते हैं जो ड्यूरेशन होता है जिस ड्यूरेशन के लिए हमें सिग्नल मिलेगा वो सिग्नल उतने ड्यूरेशन के लिए अपीयर होगा तो यहाँ पर क्या आता है कि द एवरेज डी सी आउटपुट वोल्टेज वी डी सी इक्वल टू ओके इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपका आएगा वी एम बाई पाई कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा ओके वहाँ पे क्या था वी एम बाई टू पाई यहाँ पे वी एम बाई पाई है ओके सिमिलरली एवरेज आउटपुट डी सी करेंट वी एम बाई पाई आर कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा इसके बाद हम लोग आर एम एस वैल्यू निकाल सकते हैं तो क्या निकल के आएगा वी एम स्क्वायर अंडर वूड वी एम स्क्वायर अपॉन टू पाई बीटा माइनस अल्फा माइनस वन बाई टू साइन टू बीटा प्लस वन बाई टू साइन टू अल्फ़ा ओके तो सिर्फ क्या हो रहा है कि आपका जो हमने प्रीवियस केस देखा था उसमें और इसमें क्या अंतर है कि जो हमारा ड्यूरेशन है टाइम है वो क्या हो रहा है पाई से टू पाई बढ़ गया ओके okay? इसके बाद हम लोग बात करते हैं कॉन्टिन्यूस करेंट की सो इफ द लोड करेंट इज स्टिल पॉजिटिव एट ओमेगा टी इक्वल टू पाई प्लस अल्फा वन गेट सिग्नल आर अप्लाइड टू टी थ्री एंड टी फोर इन द एब एनालिसिस टी थ्री एंड टी फोर आर टर्न ऑन एंड टी वन एंड टी टू आर फोर्स फोर्सली ऑफ ओके तो मतलब कह रहा है कि जब वो साइकिल चेंज करेगा तो उस टाइम क्या होगा आपका कि uh, हमारा जो T3 है और T4 है वो टर्न ऑन हो जाएगा और T1 T2 क्या हो जाएंगे फोर्सफुली ऑफ हो जाएंगे क्योंकि उसके अक्रॉस में रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाई होगा द इनिशियल कंडीशन फॉर करंट इन द सेकेंड हाफ़ साइकिल इज नॉट ज़ीरो ओके तो इसमें क्या होता है कि करंट हमारा क्या होगा सेकेंड हाफ साइकिल में जीरो नहीं हो रहा है बल्कि पहले केस में जो हम पढ़ रहे थे वहाँ पर क्या था कि सेकेंड साइकिल में यानी कि पाई से लेकर टू पाई के बीच में करंट कहीं पर थोड़ा सा जीरो हो रहा था ओके okay? इसलिए हम उसको डिसकन्टिन्यूस बोल रहे थे इन कॉन्टीन्यूस करंट ओमेगा टी इक्वल टू पाई प्लस अल्फा द करंट एट ओमेगा टी इक्वल टू पाई प्लस अल्फा मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो फॉर कॉन्टिन्यूस करंट ऑपरेशन मतलब कह रहा है कि जो ओमेगा टी की वैल्यू होगी वो पाई प्लस अल्फा से क्या होनी चाहिए ज़्यादा होनी चाहिए तब जाके हमारा करंट क्या होगा कॉन्टिन्यूस होगा ओके okay? तो यहाँ पर दिया है इफ़ आई ऐट पाई प्लस अल्फा इज ग्रेटर दैन आर इक्वल टू ज़ीरो ठीक है तो यहाँ से हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा यही निकल के आता है कि साइन थीटा माइनस अल्फ़ा इंटू वन माइनस ई टू द पावर माइनस पाई बाई ओमेगा टाउ मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो तो ये इसमें सारी चीज़ें यही बता रहा है आपका कि जब आपका ओमेगा टी पाई प्लस अल्फा से ज़्यादा होगा तो उस समय हमारा करंट क्या होगा कॉन्टीन्यूस होगा ओके okay? कुछ किस uh, मतलब कि करंट डिस्कॉन्टीन्यूअस नहीं होगा तो यहाँ पे हम लोग करंट वेब देख सकते हैं कि अल्फा जीरो uh, से लेके आपका अल्फा तक करंट इस तरीके से डे हो रहा है फिर अल्फ़ा से लेके आ, पाई प्लस अल्फा तक या फिर बीटा तक क्या हो रहा है आपका इस तरीके से इंक्रीज हो रहा है फिर इस तरीके से हमें वेब फॉर्म अपीर हो रहा है तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमारा क्या है कॉन्टीन्यूस करंट यहाँ पे हमें मिल रहा है जब हम लोग क्या कर रहे हैं पाई प्लस अल्फ़ा को आ, पाई प्लस अल्फ़ा को क्या कर रहे हैं ओमेगा टी आपका क्या है ज़्यादा है एट एज कम्पेयर टू पाई प्लस अल्फा ओके okay. सिमिलरली जो इसका इसका जो वोल्टेज बेफॉर्म आएगा वो कुछ इस प्रकार से फिर होता है ओके okay. निगेटिव में फिर थोड़ा सा पॉजिटिव में इस तरीके से फिर हो रहा है अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो निगेटिव में वोल्टेज आ रहा है इसको हटा सकते हैं कैसे हटा सकते हैं अगर हम लोग जो रजिस्टिव इंडक्टिव लोड है उसके क्रॉस में हम लोग क्या करें अगर फ्रीबलिंग डायोड हम लोग यूज कर लें तो हमारा क्या हो जाएगा जो निगेटिव वोल्टेज जो हम सेट कर रहे हैं यहाँ पर वो क्या हो जाएगा उसको हम लोग रिमूव कर देंगे और हमारा करंट भी कैसा होगा कॉन्टीन्यूस होगा ओके okay? तो अगर हम लोग बेफॉर्म को सॉल्व करें कि फ़ॉर अल्फ़ा ग्रेटर देन और इक्वल टू थीटा थीटा हमारा कैसे निकालेंगे या इम्पिडेंस एंगल टेन इनवर्स ओमेगा एल बाई आर इसको हम लोग नेटवर्क एनालिसिस में पढ़ते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका अल्फ़ा मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू टैन इनवर्स ओमेगा एल बाई आर फॉर कॉन्टीन्यूस करेंट ओके okay, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका कि कॉन्टीन्यूस करंट के लिए क्या होना चाहिए आपका जो अल्फ़ा यानी फायरिंग एंगल है वो इम्पिडेंस एंगल से क्या होना चाहिए उसके बराबर या फिर छोटा होना चाहिए तब जाके हमें कॉन्टीन्यूस करंट मिलेगा अगर इससे ज़्यादा होगा तो क्या मिलेगा हमें डिसकॉन्टीन्यूस करंट मिलता है ओके द एवरेज आउटपुट वोल्टेज एंड करंट आर तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि जैसे हमारे आ, क्या क्या नाम है जो हमारा पहले हमने पढ़ा था उस केस में क्या आ रहा था आपका वी एम बाई टू पाई ओके या वी एम बाई पाई कॉस अल्फा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टू वी एम बाई पाई तो यहाँ पे टू का फैक्टर आ गया यानी कि जो हमारा डी सी आउटपुट वोल्टेज है वो दुगना हो गया एज कम्पेयर टू प्रीवियस केसेस इसी तरीके से आई डी सी की वैल्यू भी क्या हो जाती है बढ़ जाती है और आर एम एस हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं वी आर एम एस अपॉन एम्पीडेंस या वी आर एम एस अपॉन आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल स्क्वायर ओके तो ये इसके एनालिसिस में निकल के आता है जब हम लोग बेफॉर्म की एनालिसिस करते हैं ओके okay. तो आ, अभी तक हम लोगों ने क्या देख लिया कि आ, हम जब सिंगल फेज फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर में क्या करते हैं रजिस्टिव इंडक्टिव लोड अप्लाई करते हैं तो उस समय क्या होता है आपका कि अल्फ़ा से लेके पाई तक आपका, आपका आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव में और पाई से लेके बीटा तक आपका, आपका आउटपुट वोल्टेज निगेटिव आता है इसके बाद में क्या होता है आपका सिमिलरली सिमिलरली आपका जो है पाई प्लस अल्फ़ा से टू पाई तक आपका क्या आएगा आउट वोल्टेज पॉजिटिव और टू पाई प्लस अल्फा से सॉरी टू पाई प्लस बीटा तक क्या आएगा आपका निगेटिव आता है ओके okay? टू पाई से लेकर टू पाई प्लस बीटा तक आपका निगेटिव आता है तो ये हमने देखा तो हम लोग उस निगेटिव वोल्टेज को क्या कर सकते हैं रिमूव कर सकते हैं बाई इंसर्टिंग अ फ्रीबलिंग डायोड अक्रॉस एकास जो हमारा लोड था उसके अक्रॉस अगर हम लोग लगा देंगे फ्रिबलिंग डायोड तो हम लोग क्या कर सकते हैं निगेटिव वोल्टेज को रिमूव कर सकते हैं ठीक है तो ये वाला केस हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अब हमारा अगला कन्वर्टर देखते हैं जो कि है सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर ओके तो आ, ये आपका क्या है एक ब्रिज की तरीके से दिखाई दे रहा है तो आ, पहले वाले में और अभी वाले में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे हम लोग दो थायरिस्टर और दो डायोड का यूज़ करते हैं ओके okay? तो पहले वाले में क्या था आपका वो भी आपका एक ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन था यहां पे हमारे पास दो हैं और दो डायोड्स हैं ओके okay, तो इसीलिए हम लोग सेमी कन्वर्टर बोलते हैं तो फिगर ए सोज फेज हाफ कंट्रोल्ड सेमी कन्वर्टर रेक्टिफायर दिस कॉन्फ़िगरेशन कंसिस्ट ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ था एंड डायोड्स एंड यूज टू एलिमिनेट एनी निगेटिव वोल्टेजेस ऑक्रेंस एट द लोड टर्मिनल्स यानी कोई निगेटिव वोल्टेज हमारे लोड टर्मिनल्स पर ना अपीयर हो इसके कारण हमने क्या किया है एक फ्रीबलिंग डायोड भी आ, लोड के पैरल में लगाया हुआ है ओके फॉर वन टोटल पीरियड ऑफ दिस सर्किट द करस्पॉन्डिंग बेफॉर्म्स आर सोन इन फिगर बी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा क्या है एक सेमी कन्वर्टर है जिसका आउटपुट वोल्टेज बेफॉर्म कुछ इस प्रकार से आता है ओके तो अल्फ़ा से लेके पाई तक आपका क्या आ रहा है आउटपुट वोल्टेज आ रहा है फिर पाई से लेके अगले फायरिंग एंगल तक क्या हो रहा है आपका जीरो हो जा रहा है ओके तो यहाँ पे हमें वोल्टेज नहीं मिल रहा है वोल्टेज को क्लिप कर दे रहा है ओके तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कॉन्टीन्यूस कंडक्शन को प्राप्त करते हैं द एवरेज डी सी आउटपुट वोल्टेज हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि जो हमारा सेमी कन्वर्टर है उसका आउटपुट वोल्टेज इक्वेशन क्या होगा तो वी एम बाई पाई वन प्लस कॉस अल्फा वी एम बाई पाई आर वन प्लस कॉस अल्फा एंड इट्स आर एम एस वैल्यू इज वी एम अंडर वुड वन बाई टू माइनस अल्फ़ा अपॉइन टू पाई साइन टू अल्फ़ा पॉइंट फोर पाई तो यहाँ से हम लोग आर एम एस वोल्टेज एवरेज आउटपुट करेंट एवरेज आउटपुट वोल्टेज और आर एम एस करेंट तीन चारों चीज़ें हम लोग निकाल सकते हैं इसके बाद में हम लोग ये बता सकते हैं कि हमारा जो लोड है वो कितना पावर डिलीवर्ड करेगा ओके okay? या कितना पावर लोड को डिलीवर हुआ है या फिर कितना पावर लोड एब्जॉर्ब किया है इसको निकाल सकते हैं पावर इक्वल टू आई आर एम एस स्क्वायर इनटू आर ओके और इसके बाद में जो है एक हमारे पास न्यूमेरिकल है इसको हम लोग देख लेते हैं ठीक है तो अभी तक हमने यही देखा कि सिंगल फेज फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर के क्रॉस में जब हम लोग रजिस्टिव इंडक्टिव लोड अप्लाई करते हैं तो उस समय क्या होता है आपका उस समय आपका होता क्या है कि हमारा आउटपुट वोल्टेज अल्फा से लेकर पाई तक पॉजिटिव आता है पाई से लेकर बीटा तक आपका आउटपुट वोल्टेज निगेटिव आता है फिर आपका पाई प्लस बीटा से ले कर टू पाई तक आपका आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव देन टू पाई प्लस टू पाई से लेकर टू पाई प्लस बीटा तक आपका आउटपुट वोल्टेज निगेटिव आता है और दोनों साइकिल्स को यानी कि पॉजिटिव साइकिल और निगेटिव साइकिल दोनों को एसी को डीसी में चेंज कर देता है इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर यानी इसके दोनों पलसेज को हम लोग क्या कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं बाय बाई द फायरिंग एंगल ऑफ द एस ओके इसके बाद में हम जो हमारा नेगेटिव वोल्टेज अपीयर होता है अक्रॉस दी लोड उसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं बाई एक हम लोग फ्रिबलिंग डायोड लगाते हैं लोड के पैरेलल में जो क्या करता है जो निगेटिव वोल्टेज को क्या करता है क्लिप कर देता है या उसको जीरो कर देता है तो इससे फ़ायदा क्या होता है आपका फ्रिबलिंग डायोड से कि हमारा जो आउटपुट बेफॉर्म है वो क्या हो जाता है वो कॉन्टिन्यूस हो जाता है आपका जो हमारा निगेटिव वोल्टेज आ रहा था वो आपका क्या करता है उसको जीरो कर देता है जिसके कारण हमारा एवरेज आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज हो जाता है ओके okay. इसके बाद में हमारा जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं तो इसमें दिया है कि अ फुल बेब कंट्रोल्ड ब्रिज रेक्टिफायर हैज अ सोर्स ऑफ 120 ट्वेंटी वोल्ट आर एम एस एट सिक्सटी हर्ट फ्रिक्वेंसी आर इक्वल टू टेन ओम एल इक्वल टू ट्वेंटी मिली हेनरी बीटा इक्वल टू टू हंड्रेड सिक्सटीन डिग्री एंड अल्फ़ा इक्वल टू सिक्सटी डिग्री ओके यहाँ पे आपका सिक्सटी डिग्री होगा ओके डेटरमाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर लोड करेंट द एवरेज लोड करेंट एंड द पावर एब्जॉर्ब बाय द लोड तो इसमें हमें बताना है कि करेंट uh, का एक्सप्रेशन कैसा होगा इन डेटास के लिए या इन वैल्यूज़ के लिए यानी अल्फ़ा बीटा और जो भी हमारे वैल्यूज दी हुई हैं इनके इनके चलते आपका जो एक्सप्रेशन आएगा वो कैसा होगा और हमें बताना है कि द एवरेज लोड करंट और द पावर डिसिपेटेड बाय द लोड ओके तो इसमें क्या क्या चीजें दी हुई हैं आपकी इसमें आपका वी एस दिया हुआ है ओके okay? तो इसमें गिवन क्या है आपका गिवन वी एस इक्वल टू वी एस इक्वल टू वन ट्वेंटी बोल्ट फ्रीक्वेंसी आपकी है सिक्सटी हर्ट्स रेजिस्टेंस आपका दिया हुआ है टेन ओम इंडक्टेंस इज ट्वेंटी मिली हेनरी बीटा इज टू हंड्रेड एंड सिक्सटीन डिग्री एंड अल्फा इज सिक्सटी डिग्री तो यहाँ पे ये सारे डेटा हमारे पास ऑलरेडी गिवन है अब इनके थ्रू हम लोग क्या करते हैं आ, जो भी हमें से पूछा गया है उसको हम लोग निकाल सकते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं वी से हम लोग वी निकाल लेते हैं यानी मैक्सिमम वोल्टेज कितना होगा क्योंकि इसे हमें एक्सप्रेशन में यूज करना पड़ेगा तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट टू तो हो जाएगा आपका अंडर रूट टू मल्टीप्लाइड बाई वन तो ये हमारा निकल के आएगा वन सिक्सटी नाइन पॉइंट सेवन बोल्ट ओके यानी इतना वोल्टेज हमारा क्या होगा वन सिक्सटी नाइन पॉइंट सेवन बोल्ट ओके सिमिलरली हम लोग इम्पिडेंस निकाल सकते हैं यानी जेड हमारा क्या हो जाएगा जेड इक्वल टू हो जाएगा अंडर वुड आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल स्क्वायर ओके तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं इसको निकाल सकते हैं तो आर की वैल्यू आपकी दी हुई है टेन टेन का स्क्वायर प्लस ओमेगा इक्वल टू टू पाई एफ दैट इज़ टू पाई इंटू सिक्सटी इंटू एल इज ज़ीरो पॉइंट जीरो टू क्योंकि मिली हेनरी में दिया हुआ है तो हम लोग इसको क्या करेंगे हेनरी में लिखेंगे तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो जेड हमारा कितना निकल के आता है सॉल्व करने के बाद ट्वेल्व पॉइंट फाइव ओम ओके okay. यानी कि आर्यन लोड हमारा दिया हुआ है तो यहाँ पे इम्पिडेंट जो अपीयर होगा वो 12.5 ओम अपीयर होगा ओके okay. इसके बाद में आपका अल्फा दिया हुआ है सिक्सटी डिग्री ओके अब हम लोग एक्सप्रेशन क्या जानते हैं पहला पूछ रहा है कि फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ करेंट ओके यानी लोड करेंट का हमें एक्सप्रेशन बताना है तो हम लोग uh, अभी फार्मूला हम लोग देखे हैं इसके एक्सप्रेशन में कि आई नॉट ओमेगा टी इक्वल टू आई नॉट ओमेगा टी इक्वल टू वी एम बाई जेड साइन ओमेगा टी माइनस थीटा साइन ओमेगा टी माइनस थीटा प्लस माइनस साइन अल्फा माइनस थीटा इंटू ई टू द पावर माइनस अल्फा माइनस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा ओके तो ये एक्सप्रेशन होता है इसका अब हम लोग क्या करेंगे इसमें अल्फ़ा की वैल्यू थीटा की वैल्यू इसके बाद में जो है टाउ की वैल्यू यानी टाइम कांस्टेंट की पुट करेंगे दैट इज़ एल बाई आर तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो एक्सप्रेशन निकल के आएगा तो हम लोग यहाँ पे टाओ कैसे निकालेंगे टाओ यहाँ पर देख लेते हैं तो हमारा हो जाएगा टाओ इक्वल टू एल बाई आर ठीक है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे एल और आर की वैल्यूपुट करेंगे तो हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा निकल के आता है आई नॉट ओमेगा टी जो एक्सप्रेशन निकल के आएगा वो आपका आएगा थर्टीन पॉइंट सिक्स साइन ओमेगा टी माइनस क्या है आपका थीटा है जो कि थीटा हमारा क्या हो जाएगा टेन वर्ट्स ओमेगा एल बाई आर और उसको हम लोग रेडियन में रखेंगे क्योंकि हमारा इक्वेशन क्या होता है रेडियन में रहता है तो यहाँ से हो जाएगा जीरो पॉइंट सिक्स फोर सिक्स माइनस ट्वेंटी वन पॉइंट सिक्स ई टू दी पावर माइनस ओमेगा टी डिवाइड बाई जीरो पॉइंट सेवन फाइव फोर ओके तो ये एक्सप्रेशन निकल के आता है आपका आई नॉट ओमेगा टी का कब जब हमारे पास ये डेटा दिए होंगे यानी अल्फ़ा बीटा गामा जो भी हमारे डेटा दिया हुआ है उसके कारण जो हमारा फंक्शन आई नॉट ओमेगा टी आया वो इतना निकल के आता है इसके बाद में अगला इसमें पूछ रहा आपसे अगला पूछ रहा है आपका कि फाइंड द एवरेज लोड करंट यानी एवरेज लोड करंट की बताइए तो एवरेज लोड करंट हम लोग कैसे निकालेंगे एवरेज लोड करंट ओके तो एवरेज लोड करंट का फॉर्मूला क्या होता है आपका आई डी सी इक्वल टू वी एम बाई पाई आर कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा ओके यहां पे हम लोग क्या करेंगे वीएम हमने निकाला था वन सिक्सटी नाइन पॉइंट सेवन डिवाइड बाय पाई इनटू आर है आपका टेन ओम कॉस अल्फाई सिक्सटी डिग्री ओके तो कॉस 60 माइनस कॉस बीटा की वैल्यू 216 डिग्री 216 डिग्री तो यहाँ से जब हम लोग क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे आईडीसी uh, तो हमारा कितना निकल के आएगा आईडीसी 7.07 सी पॉइंट ओके तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे आईडीसी निकाल लेंगे इसके बाद में इसमें तीसरा थी, पार्ट पूछा है कि आर एम एस कितना हो आर एम एस कितना होगा तो आई आर एम हम लोग कैसे निकाल सकते हैं आई आर एम इज इक्वल टू वन अपॉन जेड अंडर रूड वी एम स्क्वायर वी एम स्क्वायर मीन्स वी एम स्क्वायर हम लोग लिख देते हैं वन सिक्सटी नाइन पॉइंट सेवन का होल स्क्वायर अपॉन टू पाई माइनस इन ब्रेकेट क्या हो जाएगा आपका बीटा माइनस अल्फा ओके okay. बीटा माइनस अल्फा माइनस वन टू साइन टू अल्फा ओके okay. प्लस वन टू साइन टू अल्फा ओके okay. अब हम लोग क्या करेंगे इस एक्सप्रेशन में बीटा की वैल्यू रेडियन में बीटा अल्फा के ब्लू रेडियन में और यहाँ पे हमारा साइन के साथ है तो इसको हम लोग क्या करेंगे डिग्री में पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आर एम एस आउटपुट करंट निकल के आएगा वो वो आपका निकल के आएगा वो आपका निकल के आएगा एट पॉइंट एट ओके इसके बाद में जो इसका पावर है पावर हम लोग कैसे निकाल सकते हैं पावर इक्वल टू होता है आपका पी इक्वल टू आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर ठीक है तो आई आर एम हमने निकाला है एट पॉइंट एट स्क्वायर इंटू टेन और ये कितना आ जाएगा आपका सेवन सेवेंटी फोर ओके तो आ, हमने ये न्यूमेरिकल भी देख लिया तो आ, आज के लेक्चर में हमने मेनली क्या देखा कि सिंगल फेज फुल वेब कंट्रोल रेक्टिफायर विथ आर लोड और हमने उसके उसके दो केसेज देखे कि कॉन्टिन्यूस करंट कब फ़्लो होगा और कब डिस्कटिन्यूस करंट फ्लो होगा तो हमने ये पाया कि जब आपका ओमेगा टी क्या होगा पाई प्लस अल्फ़ा से कम होगा तो उस समय हमारा डिस्कटिन्यूस होगा और जब उससे ज़्यादा होगा तो हमारा कॉन्टिन्यूस होगा ओके बाकी अगले लेक्चर में देखेंगे थैंक यू